आपको मैं बताती हूँ कि आप अपने वीडियो को कैसे वायरल कर सकते हो, कैसे आपको इस जैसे समझना चाहिए। आप मैंने बहुत मेहनत करी है, जब मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ और मेरा वीडियो कैसे वायरल हुआ मैं आपको बताती हूँ सब। बाइक के स्टूडियो में लोग बात क्या करते हैं, सिर्फ अपने सब्सक्राइबर कैसे हैं और अपने वीडियो कैसे चलना ये देखते हैं। बाइक के स्टूडियो का सही उपयोग करना नहीं आता, बाइक के उपयोग स्टूडियो का सही उपयोग करना भी आना चाहिए, जिससे कि अपन को कैसे कर आप लोग देखते हो कि बाइक के स्टूडियो में अपने वो भी देखना चाहिए अपना वीडियो कैसे चल रहा है। तो स्टूडियो में आपको CTI दिखता है, वो देखता है कैसे चल रहा है, जब ऊपर की ओर वीडियो चल रहा है तो आपका वीडियो अच्छा चल रहा है, वो एरो ऊपर की है और है तो आप वीडियो अच्छा चल रहा है, वो एरो अगर नीचे की है तो वीडियो का। इसमें क्या है कि आपको जैसे वीडियो आपने 10 मिनट का बनाया उसको कम से कम 4-5 मिनट तो देखना चाहिए, तो आपका एरो अच्छा चलेगा, वीडियो अच्छा ग्रो होगा। इसको देखना जरूरी है, आपको CTR से आपका वीडियो ग्रो होगा। और अगर डाउन हो रहा है, नीचे की ओर चल रहा है तो आपका एरो नीचे की ओर जा रहा है तो आपका वीडियो कम देखना है लोग बाग बाइक स्टूडियो में आपको पता लग जाता है कि वीडियो कम देखना है। अगर आपने वीडियो बनाया आपने का वीडियो कम चल रहा है तो आपका आपको को थंबनेल अच्छा बनाना है, थंबनेल अच्छा बनाना है तो आपका चैनल वीडियो लोग बात क्लिक करेंगे और आपका अच्छा चलेगा। और अगर आपका एरो नीचे जा रहा है तो आपका वीडियो में कमी है, आपको वीडियो अच्छा बनाना है, जिससे कि ऐसा नहीं बनाना कि अपनी पसंद का वीडियो बनाना है। जैसे अपन अपने पसंद की कुछ बना लेंगे तो जनता नहीं देखी, क्योंकि अपन को कुछ पसंद है जनता को कुछ और पसंद है, मगर जनता की पसंद के आधार पर आपको वीडियो बनाओगे तो आपका वीडियो अच्छा चलेगा, इसका ध्यान रखना है। आपको एनालिटिक्स में जाना है और फिर आपका देखना है कि आपका वीडियो कैसा चल रहा है और किस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाना है, जो आप वो खुद बताएगा इस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाना है, उसी टॉपिक पर अगर आप वीडियो बनाओगे तो आपके वीडियो अच्छे चलेंगे और ग्रो होंगे और आप अधिक से अधिक लोग देखेंगे, इससे आपका चैनल ग्रो। मैंने बहुत मेहनत और लगन से इस मुकाम पर पहुंची हूँ, आज मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया और मेरे डॉलर भी बनाए और मेरा अर्निंग भी हो रही है। मैंने इतने सालों की मेहनत, मैंने कहा आपको भी ये बताऊं कि आप भी इस ऐसे लगन और मेहनत से करके आजकल 24 आने वाला है, 24 में बहुत कठिन हो गया है वीडियो बनाना, वीडियो को वायरल करना, वीडियो ऐसा तो कुछ ही बना लो, आप सोच समझ के वीडियो अच्छा बनाओगे आजकल तो आपका वीडियो चलेगा। पहले तो क्या था कि कम लोग जुड़े थे यूट्यूब पे तो आपका वीडियो जरूर वायरल हो जाता था, अधिक लोग वायरल, मगर अब हर घर में हर घर में जितने सदस्य होते हैं उनको पता लग गया है कि यूट्यूब से पैसे मिलते हैं, तो सब लोग वीडियो बनाना चाहते हैं, इसलिए जरा आपको वीडियो अच्छे से अच्छा बनाना है और जनता के हिसाब से बनाना है। आजकल बहुत कंपटीशन चल रहा है, इसलिए आपको वीडियो अधिक बनाना, और आजकल तो ये यूट्यूब ने थोड़ी और गलती भी कर दी है और शॉर्ट को बढ़ावा दे रहा है तो आपका वीडियो बड़े में कम व्यू आ रहा है, तो आप समझ रहे हो कि व्यू क्यों कम आ रहा है, सभी के व्यू कम आ रहा है। उसने क्या करा है कि शॉर्ट के साथ साथ लॉन्ग और शॉर्ट साथ में चलती है, तो लोग क्या सोचते हैं कि जो शॉर्ट चल रही है ना उसी कम लोगों पर टाइम नहीं है, तो शॉर्ट में जो चीज मिल रही है तो अपन उसी को देखें ना, लॉन्ग में क्यों देखें, तो मगर सीखें चाहे ना सीखें, शॉर्ट में सीखने में कम मिलता है मगर लॉन्ग में उसको अच्छी तरह समझ में आती है, मगर यूट्यूब क्या मालूम क्या करता जा रहा है जिससे कि आपके व्यू भी कम आ रहे, सभी के व्यू कम आ रहे हैं, मगर आपको इस पर ध्यान देना है, जब आपका वीडियो वायरल होगा अधिक चलेगा और अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाने की कोशिश करें तो आपके वीडियो वायरल होंगे और आपके जरूर चलेंगे, मगर चिंता नहीं करना है कि मेरे वीडियो क्यों नहीं चल रहा है, लगे रहना है तो और आप एक दिन इस मुकाम पे पहुंच जाओगे कि आपके वीडियो वायरल होंगे अच्छे से अच्छे चलेंगे, मगर निराश नहीं होना है। मैंने कितनी मेहनत करी है, इतनी मेहनत से मैं आज आगे पहुंची हूँ, इसलिए मैं आपसे भी कहती हूँ कि मेहनत करो और सफलता जरूर मिलेगी। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो।